हेलो गाइस। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे घर बना लिया, इंटीरियर एक्सटीरियर में भी कई चीज़ें बना ली, बाथरूम पूजा, है ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये सारी चीज़ें नहीं बना रहे। तो आज मैं एक प्रॉपर नाइफ जो होती है, हालांकि जो घर में यूज करने वाली नाइफ है वो नहीं है, जो हथियार के तौर पे जो रखी जाती है, जैसे आप देख सकते हैं इस नाइफ को। तो आज हम क्या करना है, इस नाइफ को बनाने वाले हैं और देखेंगे कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, एंड एग्जैक्ट हम विजुअलाइज करके भी देखेंगे कि ये चीज कैसे हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि इसे बनाने में आपको मजा आएगा मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस भी चीज़ को हमें बनाना होता है उसके हम फोटोज़ अगर हमारे पास है विद डायमेंशन तब तो अच्छी बात है। तो हमारे पास है तो हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये साइज़ इसमें एमएम में दिया हुआ है, तो मैं अपना टेम्पलेट भी मैंने एमएम में चूज़ किया है ताकि हमें बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारा कितना बड़ा है यहाँ से। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी इसे कि स्केल करके छोटा कर लेंगे। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि ये जो डाया है इसका इनर, ये वो 22 mm का है, तो हम इसे 22 mm का कर लेंगे पहले। तो अभी ये 0.5 का होगा और ये देखिए। ठीक है, तो ये 22 mm का हो गया है, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेंगे एक। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रेफरेंस लाइन ले ले रहा हूँ ताकि मैं एक साइड का बनाऊँ और दूसरी साइड इजीली मिरर कर सकूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये एंड स्पॉट होगा हमारा, फिर यहाँ ये सर्कल का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे अब इसके सर्कल भी बना लेते हैं इसमें। तो ये देखिए, ठीक है, एजेस जो है उसे हम थोड़ा सही कर लेंगे और ठीक है, तो इन्हें भी यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। 24 को हम अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम होगी नहीं तो बाद में, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले स्केल करके इसे बड़ा करेंगे, देन वापस रीस्केल कर लेंगे। ठीक है, अपने रीसाइज में कर लेंगे हम इसे, क्योंकि छोटे एरिया में जब हम काम करते हैं ना तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हो कि ये कितना छोटा है अभी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहीं से इसे बाहर ले आते हैं और इसे स्केल करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अभी हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे 20 गुना बड़ा कर दे रहे हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसे स्टार्ट। एजेस को स्मूथ कर लेते हैं और ठीक है, और अब इसे बाहर लाते हैं ऑफसेट, तो ये लगभग 100 का बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने स्केल, ये मैंने जो साइज है वो 20 टाइम्स कर रखा है, मतलब कि अभी ये 5 mm का ही ओरिजिनल में दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आर्चेज वगैरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं जो ये रेफरेंस लाइन वगैरह है ये हटा दे रहा हूँ। और नीचे से इसे भी हटा दे रहा हूँ ताकि बाद में जब जरूरत पड़ेगी हम देख लेंगे। ठीक है, सेंटर से ये हट गया, ये भी हट गया। अब एक चीज़ ये है कि मैं इसे और आगे तक लेके जाता हूँ।
ठीक है, मैंने इसे सिंपली कॉपी किया इजीली एंड ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये अभी पता चलेगा आपको क्यों किया मैंने। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एक अलग ग्रुप में रख लेता हूँ, मेक ग्रुप, एंड इस हिस्से को एक अलग से यहाँ से बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थिकनेस देंगे। तो बेसिकली ब्लेड की हमारी ये थिकनेस रहेगी, तो हम इसे कितना थिकनेस देंगे, हम 5 इंच ही रखेंगे थिकनेस, मतलब 5 mm। तो 5 mm का मतलब यहाँ पे हमारे लिए हो जाएगा 100। ठीक है, एंड इसे भी फिर हम 100 ही करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जैसे ही, जैसे ये शार्प रहेगा तो वो कटने का चांसेस होता है ना, जैसे हम अपने उसमें देखते हैं कि अगर नॉर्मल एरिया में कि कट्स हो सकते हैं वहाँ पे जब शार्प एजेस रहेंगे, तो इसलिए, तो चलिए इसे हम क्या कर रहे हैं कि थोड़े से राउंड करने की कोशिश करेंगे एजेस को। तो 5 हमारा हाइट है, तो हम यहाँ 50 ले लेंगे, 50 तक जाएंगे, 25 तक जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ है सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो ये एजेस हैं इसे हम सही कर लेंगे ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। अब इसे हम स्केल करके इस तक लाएंगे ताकि ये भी सही हो जाए। ठीक है, तो हम अभी चेक करें, ये 50 ही है, तो हम इसे स्केल करके दुगना करेंगे, तो हमें इसे ना वो 50 ही रखनी थी, हम इसे 50 कर लेंगे। फिफ्टी की जगह 75 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 और ऐड कर लेते हैं। ये ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पे हम इसे राउंड घुमाएंगे ताकि इसका सर्कल बन जाए एग्जैक्ट। तो हम इसकी हाइट लेंगे यहाँ से, टोटल हाइट 75 है। तो एक बेसिक सा सर्कल ले ले रहे हैं, इसके एजेस स्मूथ कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये फॉलो मी हो गया है। अब ये क्या हो गया कि प्रॉपर रिंग्स की तरह बन गया है। अब हम इस एज को क्या करेंगे कि यहाँ पे शार्प करेंगे। ठीक है, तो अब इस एरिया को हटा लेते हैं नीचे से, अपना सिर्फ इसे रख लेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस एरिया को कंपोनेंट बना लेते हैं, मेक कंपोनेंट क्रिएट। ठीक है, ये देखिए, तो अब हम ये इससे टच हो रही है, तो एक एक हिस्से को हमें एक्सप्लोड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इसे एक्सप्लोड करेंगे, एक्सप्लोड एंड ये। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, बस सिर्फ इस तरीके से इस जगह को इरेज कर लेंगे। ठीक है,
और जो ये एक्स्ट्रा लाइंस है इन्हें भी हटा लेंगे हम। तो ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से शार्प हो गया। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा करना है तो इसे हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी है। इस चीज को सीधा रखना पड़ेगा इस तरीके से, ये, ताकि यहाँ की एजेस अलग बने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे सिंपली मेक कंपोनेंट कर लेते हैं, मेक ग्रुप करके मेक कंपोनेंट क्रिएट, और अब इसे हम मिरर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया है, ये देखिए। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, मैंने तीनों को ही कर लिया है। अब इसे देखिए, अभी क्या है कि तीनों की हाइट बिल्कुल सेम है जो पीछे है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगी, ये इसे थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5, और अब इसे इसके सेंटर में लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद ये होगा कि ये जगह धीरे धीरे स्लाइटली नीचे आएगी, यहाँ ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये नीचे नहीं आएगा, ये यहां से सिर्फ इसे इरेज कर देगा। देखिए इस तरीके से ये स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, अब क्या है कि अब इन्हें हम आपस में जोड़ेंगे। तो ये ऐड कैसे होगा, ये देखिए, जैसे ये एंड टू एंड पॉइंट्स होंगे इनके, सबसे पहले इनके कर्व्स को क्या किया जाएगा, एक्सप्लोड करना पड़ेगा हमें। तो एक्सप्लोड कर्व, एक एक करके, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक एजेस मिलेंगे आपको, मतलब, और उसके बाद हम इसे इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। और फिर इसे हम ऐसे करेंगे कलेक्ट, ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एजेस हमारा यहाँ है, उसी तरीके से फिर से हम इससे के साथ कनेक्ट कर लेंगे इसे। उसी तरीके से यहां भी कर लेंगे इसे। ये मेरे उसमें एक लाइट आ गई है एक्स्ट्रा, आपके में शायद नहीं आएगी, ठीक है। जी देखिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसे पूरा कर लेता हूँ। सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है पूरे में, ठीक है, यहाँ से एंड तक, बिल्कुल यहाँ तक, शार्प एज तक।
getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, yeah, I'm feeling okay. तो ये देखिए, ये हमारा आधा शार्प बन गया है, ठीक है। तो अब हम इसे मिरर कर लेंगे दूसरी साइड। तो मिरर, ये देखिए ये हो गया। तो बेसिक हमारा पूरा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग, जो अलग अलग है उन्हें जॉइंट्स कर लेंगे, जैसे ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी एक जगह और कॉपी कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद सबको एक्सप्लोड कर देते हैं। इधर एक्सप्लोड, ये देखिए एक्सप्लोड हो गया। ये दोनों अलग से बचे हैं तो इसे भी एक्सप्लोड कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें हैं जिन्हें सही कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिख रही है एक्स्ट्रा, ये देखिए गैप्स बने हुए हैं, तो इस गैप्स को सही कर लेंगे। यहाँ पे भी वही गैप होगा, देखिए, ठीक है। ये सेम चीज, यही चीज हमें इधर भी करनी पड़ेगी, हम वो करते हैं अभी, बस एक मिनट। यहाँ पे जो ये लाइंस हैं इन्हें भी अरेंज कर लेंगे ताकि बिल्कुल ये इसके साथ दिखे। अगर इरेज नहीं करना है तो डायरेक्ट स्मूथ से भी हम कर सकते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट एजेस करके। ये देखिए इस सेंटर को भी हटा देते हैं हम और इस चीज को भी हम नीचे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमारी चीजें नीचे आ जाएंगी। ऐसी एक एक करके आपको सेट कर लेना है, जैसे हमने पीछे किया था शुरू में, या फिर आप चाहें तो पीछे की साइड जो बनाया था उसे ही आप मिरर कर सकते हैं यहाँ पे एंड ये इजिली आ जाएगा दूसरी साइड, ठीक है। आपको उतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसे साफ कर लेते हैं। इधर इधर से आते हैं हम एक एक करते हुए। हम अगर आपको नीचे लाने में इससे दिक्कत हो रही हो तो आप सीधे एरो बटन जो होता है उसे प्रेस कीजिए, ऊपर वाला जो अपसाइड का होता है, तो वो सीधे आपको आपके ब्लू एक्सिस पे ले आएगा और उससे आपको इजी होगा वर्क करने में, ठीक है। और ये लास्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इन सब को भी सॉफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये बिल्कुल एक जैसे जो ब्लेड होता है हमारा, हम उसकी तरह देख सकते हैं इसे। और अब क्या है कि हम सबसे पहले तो टॉप पे आते हैं और इसे अपना मेक ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसे अब लेके आएंगे पॉइंट 0.05, ये देखिए। अब हम इसी ब्लेड को जहां हमने शुरू में बनाया था उस जगह पे लेके जाते हैं और देखिए एग्जैक्ट उस साइज पे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये परफेक्ट ब्लेड बन गया हमारा,
तो इस रेफरेंस को भी हटा देते हैं। इसे हम पूरे को क्या करते हैं, मेटल का शेप दे देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेटल ही होता है। उसके ऊपर जो भी है यहाँ पे बाइंडिंग वगैरह की जाती है थोड़े उसमें, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे एडिट करके ब्लैक इस पे कर देते हैं। ठीक, ये एरिया थोड़ा सा ना वाइट होता है, ताकि जो शार्प दिख रहा होता है हमें, हम थोड़ा सा इसे वाइट रख लेंगे ऐसे, ताकि हमें दिखे कि ये एरिया शार्प है। ठीक है, तो अब आते हैं हम, ये देखिए इस तरीके से। एक चीज और जो मैं बहुत बड़ी गलती करता हूँ, अभी भी आप देखेंगे कि मेरी जो ये फाइल है, मैंने इतना काम किया लेकिन अभी तक सेव नहीं किया है, ये मुझसे बहुत बार गलती होती है। तो ऐसा आप ना करें, आप पहले ही अपनी फाइल सेव कर लें। तो मैं भी अपनी फाइल सेव कर देता हूँ अभी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।